हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल चलो कुछ सीखते हैं। मैं आपका प्यारा दोस्त मोहित राज। दोस्तों, आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे YT स्टूडियो के नाम से है, शॉर्टकट में इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमारा कुछ क्रिएटर स्टूडियो इस तरीके से खुलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे वीडियोज़ आपको शो करने लगेंगी और यहाँ पर कितने व्यूज़ मिले हैं, कितनी लाइक मिले हैं, कितनी कमेंट यहाँ पर आपकी शो होने लगेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 लाइन्स ऊपर दिख रही हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीडियोज़ है, तो आप वीडियोज़ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपकी सारी वीडियोज़ यहां पर शो होने लगेंगी इस तरीके से। तो दोस्तों, आपको जिस भी वीडियो की डिटेल्स चाहिए, आप उस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आपका एनालिटिक दिखाएगा, वॉच टाइम यहां पर दिखाएगा और व्यूज़ यहां पर आपको शो होंगे। इसके बाद अगर आप यहां पर कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ऊपर पेंसिल का आइकन बना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं नीचे, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप टैग भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप एडिट में जाकर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर थंबनेल्स भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ एडिट थंबनेल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी से थंबनेल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कोई भी थंबनेल लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे थंबनेल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे थंबनेल चेंज नहीं करूँगा। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और चलता हूँ बैक। तो दोस्तों, ये सब का थंबनेल चेंज करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर सेव का बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने ये सब पहले से सेट कर रखा है, तो मैं इसे कर नहीं रहा हूँ। फिर चलते हैं बैक में। इसके बाद दोस्तों, आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आप प्ले लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से दोस्तों, आप प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट बना रखी हैं। यहाँ पर मैंने 5 प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके बाद फिर से वहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से कमेंट को हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जितनी हमारे यहाँ पर कमेंट्स आई हैं, यहाँ से हम उसको लाइक भी कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लाई भी दे सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको लाइक कर चुका हूँ। इसको मैं रिप्लाई भी यहाँ से दे सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आप कमेंट की रिप्लाई भी दे सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके बाद फिर से आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है एनालिटिक की। तो दोस्तों, एनालिटिक पे आप क्लिक कर दीजिए। एनालिटिक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रियल टाइम व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, रियल टाइम में कितने व्यूज़ आपको मिले हैं, और यहाँ पर वॉच टाइम व्यूज़, और यहाँ पर एवरेज आपका दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डिस्कवरी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्कवरी में दोस्तों, देख लीजिए आपका ट्रैफिक किस तरीके से आया है। यहाँ पर यूट्यूब सर्च में देख लीजिए 60% है, चैनल पेज में 14% है, और फ्यूचर ब्राउज में 3% और एक्सटर्नल है 5%। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे परसेंटेज दिखा रहा है। और यहाँ पर टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज देख लीजिए, यहाँ पर व्हाट्सअप शेयरिंग से 73% गया है, और गूगल सर्च से 6.4% है। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नीचे दिए हुई हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक कर दीजिए। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जेंडर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा मेल या फीमेल लोग, कितने लोग यहाँ पे आपका देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी वीडियोज़ को सिर्फ मेल ही देखते हैं 100% लोग। और यहाँ पर नीचे एज दिए हुए हैं, 18 से 24 वर्ष के लोग ज़्यादा मेरी वीडियो को
देख रहे हैं 95%, और यहाँ पे टॉप कंट्रीज शो कर रहा है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो सिर्फ इंडिया में ही यहाँ पे शो कर रही हैं, अगर आपके यहाँ किसी भी देश में होती तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज यहाँ पे होते, जैसे पाकिस्तान में 2.1% है और बांग्लादेश में 1.4%। और दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज टॉप लैंग्वेज है, तो 100% इंग्लिश ही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि कितने टॉप कार्ड्स हैं और कितने क्लिक यहाँ पर हैं, और यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिर आपको लाइन पे क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 28 दिन का एनालिटिक मिल जाएगा। वॉच टाइम यहाँ पे देख लीजिए मेरा 5263 मिनट है, और यहाँ पे व्यूज़ जितने हैं यहाँ पे दिखाएगा। और दोस्तों यहाँ पे नीचे आपकी वीडियो शो होंगे, कमेंट्स शो होंगे, तो दोस्तों इस प्रकार से हम YouTube क्रिएटर स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा वीडियो कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।